108 आदरणीय श्री अजय कुमार जी महाराज बहुजी के साथ पधार रहे हैं। सावधान। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, सुस्वागतम 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 शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान आया श्रीनाथ जी आज मारा आंगणिया में आवा श्रीनाथ जी, जो ने सक आज मारा आंगणिया में आव्या श्रीनाथ जी, आज मारा आंगणिया में आव्या श्रीनाथ जी। चाले श्रीनाथ जी, झुमरुम 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 झुम केवा चाले श्रीनाथ जी, ओरुम झुमरुम झुमरुम झुम केवा चाले श्रीनाथ जी, आज मारा आंगणिया में आवा श्रीनाथ जी, आज मारा आंगणिया में आवा श्रीनाथ जी। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हैं। गोपाल कृष्ण महाराज श्री के कुछ क्षण के वचनामृत। एक विशेष सूचना, आज सत्संग समिति के अध्यक्ष महोदय श्री जीवन सिंह जी मोहता की शादी की 54वीं सालगिरह हूँ,
कि आप जीवन सिंह जी परिवार को स्टेज पे लेके आके महाराज श्री से आशीर्वाद दिलाओ। श्री वल्लभाधीश की, श्री गोसाई जी परम दयाल की, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की, श्री वल्लभ कुल परिवार की। गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे चलो चलो श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। नमो आचार्य सर्वस्वम लीला हृदय पूरित। नमो श्री विठ्ठल प्रभु चरण रेणु महानिधि। बड़ा ही आनंद का समय है इस पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत। डागा परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत पे श्री आचार्य चरण की रचित श्री सुबोधनी जी का रसपान आप लोग कर रहे हैं। सीहोर से पधारे शास्त्री जी, पिछले दो दिनों से आपको सुबोधनी जी का रसपान करा रहे हैं। सुबोधनी जी क्या है? जो सच्चे और सही ढंग से बोध हो वो है सुबोधनी जी। श्री आचार्य चरण ने इस सुबोधनी ग्रंथ में भागवत के एक एक श्लोक और उसके एक एक शब्दों का सही अर्थ हमें समझाया है। भागवत पर तो कई टीकाएं लिखी गई हैं, पर कहीं कहीं आप देखेंगे कि कुछ शब्दों का खुलासा वहां पर नहीं हुआ है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे दशमस्कंद के 19वें दशमस्कंद के प्रथम अध्याय का 19वां श्लोक है,
जब ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर सब देवताओं के साथ महादेव जी आदि इत्यादि जो भी अन्य अन्य देवताएं थे उन सबको लेकर प्रभु के पास क्षीर सागर पर गए, तो वहां पर श्लोक में त्रिनयन करके संबोधन किया गया है शंकर जी को, महादेव जी को सिर्फ त्रिनयन करके संबोधन कर दिया है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये शंकर जी के बारे में कह रहे हैं। लेकिन जब हम सुबोधनी जी का अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि यहां आचार्य चरण ने त्रिनयन का कितना सुंदर उदाहरण और कितना सुंदर अर्थ हमें समझाया है। यहां पर जो त्रिनयन कहा गया है उसका अर्थ यह है कि महादेव जी की दैत्य, मनुष्य और देवताओं में समदृष्टि है, सबको एक ही नजर से वो देखते हैं, और वो है दया की दृष्टि। इसलिए वहां पर आचार्य चरण ने उनको त्रिनयन का ये संबोधन किया है और साथ में उसका ये खुलासा भी किया है कि यहां पर इनको महादेव जी या अन्य अन्य न कहकर, शंकर जी न कहकर त्रिनयन क्यों कहा गया है। तो आप इतने भोले हैं और दयालु हैं कि चाहे वो दैत्य हो, मनुष्य हो या देवता हो, सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। तो ब्रह्मा जी को ये डर था कि कहीं मैं पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर पर जाऊं और देवता लोग यहां पे महादेव जी को अपनी ओर कर लें तो फिर आगे के में विघ्न पड़ जाएगा, तो फिर भूमि का भार कैसे हल्का होगा। इसलिए वहां पर ऐसे कई उदाहरण हैं, ये तो मैंने आपको एक ही उदाहरण बताया, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पे आचार्य चरण ने सुबोधनी जी में बहुत सुंदर ढंग से इसका खुलासा किया है। और मुझे खुशी भी है और उम्मीद है कि शास्त्री जी आपको सुबोधनी जी के एक एक श्लोक का बहुत अच्छे ढंग से आपको रसपान कराएंगे, आप उसका आनंद उठाइए। और बड़ी मुश्किल से बाकी तो और कथाएं हमको सुनने को मिलती है, मगर सुबोधनी जी के ऊपर बहुत कम टीकाकार अपना प्रवचन देते हैं, तो ये जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है उसका आप लाभ उठाएं। और आप लोग सभी इस पुरुषोत्तम मास में, इस 7 दिवस के उसमें आप सुबोधनी जी का रसपान करें। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य श्री के चरणों में अर्पित करता हूँ। श्री वल्लभा। श्री गोपाल की परम सौभाग्य जो सुबोधनी जी के मध्य में महाराज श्री का आगमन, जोरदार ताली बजाकर वल्लभाधीश की जय। जाए शेर पे दोनों हाथों से जय हो। वल्लभ वल्लभ गाओ, भव सागर तर जाओ, अरवा वैष्णव गौलोक जाए शेर पे। ओ वल्लभ वल्लभ गाओ, भव सागर तर जाओ, अरवा वैष्णव गौलोक जाए शेर पे। अरवा वैष्णव गौलोक जाए शेर पे।
वा वैष्णव कौ लोक जाय शेर पे श्री वल्लभा की जय। बड़ा सौभाग्य मिला गुरुदेव पधारे सुबोधनी के मध्य में आप श्री के आशीर्वचन मिले। सत्संग सेवा समिति एवं डागा परिवार धन्य है। कथा चल रही थी, एक थोड़ा सा मुझे कहने में गड़बड़ हो गया। मैंने रेवती के भैया चार कह दिया, रेवती के सौ भैया थे। कितने थे? सौ। सौ भैया रेवती माता रेवती के। तो अनर्थ राजा के यहाँ पर जो संतान वृद्धि हुई वो राजा रेवत आए। रेवत के सौ पुत्र हुए और एक कन्या हुई जिसका नाम था रेवती। ठीक है। अब माता रेवती ने तप किया, किसके कहने पर करा? माता रेवती बड़े प्रेम से अपने पिता रेवत के साथ में भ्रमण पर निकली कि इनके लायक कोई लड़का मिल जाए, कोई वर मिल जाए। ढूंढते 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 सब दूर पहुंच गए। श्री नारद जी महाराज उसी समय पर रेवती को लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, रेवती मैया अगर तुम सुंदर कोकिला व्रत को धारण करती हो समुद्र के तट पर रहकर, तो तुम्हें अति वीर सुंदर प्रबल पति मिल जाएगा और वो पति तुम्हें श्रेष्ठता प्रदान करेगा। माता रेवती ने समुद्र के तट पर जब पहुंची जाकर देखा तो जो सो पुत्र थे रेवत के, रेवती के सो भाई सब झगड़े में लड़ाई में विवाद में सृष्टि रचना में सब बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा, केवल एक रेवती और रेवत। रेवत भी तप करने में लीन रहे हैं, रेवती का मंगल विवाह करने के लिए आतुर रहे। उसी समय दाऊ जी महाराज से भेंट हुई और भगवान दाऊ जी के साथ में रेवती का विवाह। तो रेवत ने रेवती के विवाह में कन्यादान में क्या दिया? पूरी द्वारिका। और द्वारिका जब दाऊ जी की हो गई फिर वो द्वारिका कृष्ण की कब हुई वो भी समझ लो। अभी महाराज श्री बोले कि सुबोधनी जैसा गुण नहीं और सत्यता है, ये सारी कथाएं तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती, मिलेगी तो केवल सुबोधनी मिलेगी। छाट छाट कर लिखी है वल्लभाचार्य। एक गर्ग संहिता में भी है थोड़ा, है ये मत सोचना नहीं है, गर्ग संहिता पढ़ोगे उसमें मिल जाएगा। फिर वही रेवती का विवाह दाऊ जी महाराज के साथ हुआ। दाऊ जी महाराज के साथ विवाह कर कर बड़े आनंद से रहने लगी, समय बीता। विदर्भराज भीष्मक की कन्या के साथ में भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, किसके साथ? रुक्मणी के साथ। अब रुक्मणी आ गई द्वारका में, अब रुक्मणी द्वारका में आ गई तो रुक्मणी का कन्यादान कौन करे? बड़ी सोच वाली बात है भाई, विवाह होगा तो कन्यादान तो करना पड़ेगा, करे कौन? भीष्मक आ नहीं सकता, रुक्मी रुक्मबाहु आ नहीं सकते, फिर कन्यादान किसने करा? दाऊ जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ बैठकर कन्यादान करा। जब कन्यादान करा, कन्यादान करा जब रुक्मणी जी का, तो कन्यादान कुछ वस्तु को हाथ में रखकर करा जाता है। किस चीज का कन्यादान में क्या दिया जाए? तो के काम करो द्वारिका दे। तो द्वारिका के राजा द्वारिका दीश भगवान कृष्ण हो गए और दाऊ जी महाराज मथुरा के राजा बन गए। और मथुरा का राज्य किसके पास था? उग्रसेन सूरसेन के पहले की बात कर रहा हूं मैं। त्रेता में किसके पास था? मथुरा का शत्रुघ्न जी कौन थे? शत्रुघ्न मथुरा के राजा थे शत्रुघ्न। उसके बाद में उग्रसेन सूरसेन, ये सब बात की बात है, त्रेता की बात है। आज भी जब ब्रज 84 कोस की वन यात्रा प्रारंभ करी जाती है तो मथुरा में दो का दर्शन करना जरूरी है, एक शत्रुघ्न महाराज एक भूरे दाऊ जी, क्योंकि पहले शत्रुघ्न महाराज की सत्ता रही उसके बाद में भूरे दाऊ जी की सत्ता रही।
पूरी पृथ्वी पर भारत की भूमि पर एक ही दाऊ जी का मंदिर है जहाँ भूरे दाऊ जी, दाऊ जी तो काले मिलेंगे पर दाऊ जी भूरे एक ही जगह पर है। कहाँ पर? हाँ, मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के पीछे। आप लोग कभी जाए ना मथुरा तो दर्शन कर पीछे दाऊ जी महाराज। तो दाऊ जी का राज्य कहाँ पर हुआ? मथुरा में। और कन्हैया का राज कहाँ पर हुआ? द्वारिका में। ठीक है, तो अब मत कहना द्वारिका किसकी थी। द्वारिका किसकी थी? राजा अनर्थ की, और अनर्थ के बाद में रेवत की, रेवत के बाद रेवती की, रेवती के बाद दाऊ जी की, दाऊ जी के बाद कृष्ण। दुनिया के लोग भले नाम दादा पर दादा के भूल जाए पर रखना पड़ता है भाई। जिस मकान में तुम रह रहे हो किसका? तो के शंकर लाल का। शंकर लाल के बेटे तो के श्री रामेश्वर, रामेश्वर जी के बेटे तो के श्री दीपक जी। ऐसा दादा क्रम रहना पड़ा। दादा तब भगवान द्वारिकाधीश बने। सहजता में, नहीं तो भगवान को क्या पड़ा था जो बीच समुद्र में द्वारका बसाते हैं। वो तो पृथ्वी पे रह सकते थे, उनको बीच समुद्र में द्वारका बसाने की जरूरत क्या थी? क्या करना उस द्वारिका पर? नहीं, बाहर रहना। तो आगे जो चरित्र चल रहा है भगवान का, बड़ा मनोहर लीला का। भगवान अहंकार का त्याग कर कर जीव परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अभिमान का जहां त्याग हो गया वहां पर भगवान मिल गया। अभिमान को त्यागो नारायण मिल जाएगा। राजा आगे जो चरित्र कहा गया है बड़ा सुंदर एक चरित्र कहा है। वो तानपात की दो धर्म पत्नियां हैं। कितनी धर्म पत्नी है? दो। किसकी है? वो तानपात की। अब उत्तानपात राजा की दो धर्म पत्नियां हैं। ये केवल उत्तानपात की दो पत्नियां वल्लभ ने नहीं लिखी है, श्री महाप्रभु जी ने, श्री वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी में लिखा है कि ये उत्तानपात की दो धर्म पत्नियां नहीं, ये दो हमारी आकांक्षा, दो हमारी इच्छा, दो हमारा मन, दो हमारा चित्त, दो हमारी बुद्धि। अब दो कैसे हो गए? तो उसका वर्णन किया गया। एक मन कह रहा है, मन देखो दो हो जाते हैं, हर जगह पर दो मन है। एक मन कह रहा है चलो कथा प्रारंभ हो गई, कथा में चलते हैं, दो बज रही है, तीन बज रही है, ढाई बज रही, चलो कथा में चले। दूसरा मन कह रहा है आराम से साढ़े चार पांच बजे चलेंगे, तीन सवा तीन तक तो महाराज जी आएंगे, स्वागत सत्कार होगा, तब तक एक कप तैयारी है। और तो भी कथा में आ रही थी और आते आते याद आ गया थोड़ी सी सुपारी रखना तो भूल गई रुमाल में। जरा सी बारीक कतरी हुई सुपारी रुमाल में रख ली। क्यों? क्योंकि कभी मान लो कथा कंजन कैसी हुई, नींद आ गई तो एक मुंह में धर ली कतरते रह गए। और चलते चलते रुमाल भूल गई थी, लाल साड़ी के साथ लाल, तो वो लेने अंदर चल। और बची कुची थी तो आते आते पानी की एक बात बताओ, कथा में आने से पहले कितनी तैयारी करना पड़ती है ना, कितनी तैयारी करी है। और इधर नींद भी आ रही है बिल्कुल डेढ़ बजे, क्योंकि भोजन करा है, और भोजन करा तो नींद भी आ रही है। इधर कथा क्या पता महाराज कौन सी बात सुना देगा, और रह गई तो चलना। कितनी तैयारी भगवत की। उत्तानपात की दो धर्म पत्नियां हैं, ये उत्तानपात की दो धर्म पत्नियां नहीं, ये दो हमारी आकांक्षा, दो हमारी इच्छा, दो हमारे मन। एक मन कहता है सुनीति का, एक मन है सुरुचि का। उत्तानपात की दो पत्नी सुनीति और सुरुचि। सुनीति कहती है भगवान का भजन करो, सुरुचि भगवान के भजन से दूर कर देती है। रुचि हमेशा तृष्णाओं में डालने वाली है, रुचि हमेशा काम में डुबोने वाली है, रुचि हमेशा विषय और वासनाओं में डुबोने वाली है, वो रुचि है। और नीति सत्कर्म की ओर लेकर जा रही है, वो नीति।
सुनीति और तानपाद की धर्मपत्नी जिसके गर्भ से कोई संतान नहीं हुई, जब संतान नहीं हुई तो बड़ा दुख हुआ, मेरे यहाँ संतान नहीं है, मेरे यहाँ संतान नहीं हो रही, करूँ क्या। तब सुनीति ने विचार करा, मेरे गर्भ से संतान नहीं होती तो क्या हुआ, कम से कम एक काम करो, आप दूसरा विवाह कर लो, दूसरा विवाह करोगे तो गर्भ से संतान होगी, वो भी तो मेरी कहलाए। दूसरा विवाह किया, किससे करा जाए। तो सुनीति ने बोला एक काम करो, मेरी चाचा की लड़की है जिसका नाम है सुरुचि, क्या नाम है उसका, सुरुचि, उससे विवाह कर। भगवान विवाह करने को तल्लीन और भगवान विवाह करने को आतुर हुए। तानपात ने सुरुचि के साथ में विवाह करा, बहुत समझाया मैं विवाह नहीं कर सकता, फिर भी नहीं माने और विवाह किया सुरुचि के साथ। सुरुचि के साथ में विवाह किया संतान के लिए। कभी कभी ऐसा योग बन जाता है, याद रखना, कई कई माताएं जब गोदी संतान लेकर आती है ना, कुछ समय के बाद उसका खुद का ही गर्भ ठहर जाता है। कभी कभी ऐसा योग बनता है, तुम अगर गोदी संतान लेकर आए और तुम्हारे मन में है कि मैं गोदी संतान लेकर आऊं, मेरी गोदी औलाद लेकर आ जाऊं, मेरे यहाँ संतान नहीं है, तुम संतान ले आओ। कभी कभी ऐसा योग बन जाता है कि 6 साल 4 साल 3 साल बाद उसी नारी का गर्भ ठहर जाता है। क्यों? भगवान ये दिखाना चाहता है कि तू अपनी औलाद को ज्यादा पूछेगी कि वो लेकर आई उसको पूछे। सम्मान करोगे किसका? एक चरित्र बहुत अच्छा सुबोधनी में लिखा, बहुत सुंदर थे। एक बार भगवान श्री दाऊ जी महाराज आए और यशोदा रानी से कहा, काकी माँ, ओ काकी माँ। काकी माँ बोली, हारे दाऊ, क्या बात है। दाऊ जी बोले, मैया मुझे बहुत भूख लग रही। काकी माँ, अभी मैया घर पर नहीं है, रोहिणी माँ घर पे नहीं है, तुम मेरे को कुछ दे दो ना। काकी माँ अंदर गई, माखन का गोला लेकर आई और माखन का गोला लाकर तुरंत दिया, दाऊ जी के हाथ में दिया। ले दाऊ, ये माखन का गोला खा ले। दाऊ जी माखन के गोले को लेकर खाने वाले थे, इतनी देर में कृष्ण आ गए और कन्हैया ने आकर कहा, माँ सबसे पहले भूख मेरे को लग रही है, मुझे माखन दे। इतने में यशोदा जी बोली, मैं अंदर से लाती हूँ लाला, तेरे को देती हूँ। नहीं, मुझको तो यही वाला चाहिए। बच्चों की आदत रहती है, तुम किसी मेहमान के लिए नाश्ता लाके रखो, कितना ही खिला के रखो, खूब एक से बढ़कर एक थाई विस्तार तक कॉफी खिला दो, एक से बढ़कर एक जो नाश्ता मेहमान को दिया है वही अंदर खिलाया है। परंतु बच्चों की आदत है, जो मेहमानों के सामने रखा है वही चाहिए, पहले भोग वही लगाया। कितना ही अच्छा घर का बच्चा क्यों ना। कई कई माता पिता सोचते, बता हमारे बच्चे की तो बहुत बुरी आदत है, कितना समझा, तुम्हारे बच्चे की नहीं सारी दुनिया की आदत है। धीरे धीरे बच्चे समझते हैं, ये चीज बार बार इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। समझा, माँ मुझको यही माखन का गोला चाहिए। यशोदा जी बोली, ये गोला तो नहीं मिल सकता क्योंकि ये गोला दाऊ जी का, तुझे क्यों मिलेगा, तेरे लिए मैं दूसरा लेकर आती हूँ। नहीं, मेरे को तो यही चाहिए, ये नहीं मिलेगा ना कनुआ, कनुआ के यही चाहिए। मैया देन दे मत दे, मैं सब जानता हूँ, पूरा गांव बोलता है तू गोरी, बाबा गोरे, रोहिणी काकी गोरी, सारे रिश्तेदार गोरे, बस मैं काल, मैं सब जानता हूँ मैया, कोई कहने की बात नहीं है, ये तेरा सगा, मैं तेरा सोते। यशोदा जी बोली, लाला कैसी बात करता है। अच्छा कन्हैया ले, दाऊ इधर आ, ला माखन का गोला दे। दाऊ जी से माखन का गोला लिया, कन्हैया को दे दिया, ले कन्हैया तू ले ले, दाऊ मैं तेरे लिए अंदर से लाती हूँ। इतने में दाऊ जी बोले, लिया काकी लिया, अपनी औलाद पे ले, मैं तो रोहिणी का, खुद की औलाद को पहले दे। और हर व्यक्ति देता है काकी, कोई बात नहीं, कोई दुख की बात नहीं है, अपनी औलाद को दुनिया देती है। काकी का मन उतर गया रे। यशोदा जी बोली, लाला इधर आ, चल गोला दे, वापिस दाऊ जी को दे दिया, ले तू 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 खा। फिर कन्हैया बोला, हाँ हाँ दे 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 दे। ललिता जी बोल रही थी, विशाखा बोल रही थी,
कि यशोदा जी और दाऊ जी सावन के महीने में नहा रहे थे यमुना, और तू बेता बेता आ गया, पकड़ के तेरे को यहाँ बड़ा कर लिया, कैसी हक में मत रहना। कन्हैया बोला, माँ सही में तूने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा, बाकी के मैं औलाद तो तेरी हूं नहीं। दाऊ इधर आ, गोला दे, वापिस गोला लिया, ले कन्हैया तू खा। दाऊ जी बोले दे 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 दे, कोई बात नहीं। दाऊ आंख में आंसू भर लिए, यशोदा जी ने हाथ में गोला रख लिया, मैं दोनों को नहीं दूंगी, एक काम करो, जो पहले यमुना जी नहाकर आएगा गोला उसको मिल जाएगा, दौड़ो जल्दी से। अब दाऊ जी तो तेज से दौड़ गए, कन्हैया छोटा सा था, ढाई साल का तो था ही सर, अब इतना छोटा सा और नग्न रहता, ज्यादा कोई कपड़े वपड़े पहनते, आजकल दिखा देते हैं कपड़ा पहना हुआ टीवी में भी नाटक में, तो भगवान बहुत छोटी अवस्था तक तो बहुत कपड़े ही नहीं पहने, एक पिछोड़ा लंगोट लगा लेते थे, सुंदर झालरदार करधनी बंदी रहती थी, और बेहतरीन हाथ में गले में माला वाला पहन के, कुंटल मुकुट पहन के चला जाता, और इतना आलसी थे कन्हैया, जहाँ जहाँ जल्दी जल्दी चलते चलते अगर गिर भी जाए ना तो थोड़ी देर तो उठे ही नहीं, लुढ़कते ही जा, सारे गांव के लोग टिफिन लेके पार्टी मनाने जाए, ये टिफिन कभी नहीं ले जाए, जो गैया चरती हुई मिल जाए ना उसी को खड़ा करके सुला ले और उसी का थन मुंह में रख के चूसता घंटे होता। अब कन्हैया पीछे गया, दाऊ जी तो आगे, अब दाऊ जी सबसे आगे आगे दौड़ते 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 यमुना जी में कूद गए, कन्हैया ने जाके देखा ये तो नहाएगा और चले जाएगा, करूं क्या, क्या करा जाए। तुरंत कन्हैया ने अपनी बंसी निकाली, तीन बार घुमाया, जैसे ही घुमाया तो दाऊ जी अंदर के अंदर ही घूम गया। अब दाऊ अंदर की अंदर घूमा, ऐसा घूमा ऐसा घूमा कि यमुना जी में ही एक नगर बच गया, नगर का राजा मरते मरते कह गया कि मेरी लड़की की शादी इस राजा के साथ कर देना, दाऊ जी के साथ उसकी लड़की की शादी भी कर दी, यमुना जी के अंदर ही चार छह आठ छोरा छोरी हो गए यमुना जी अंदर ही, और कन्हैया नहा धो के बाहर निकल के बंसी को उल्टी घुमाए, जैसे घुमाए दाऊ जी निकले और भागे, जैसे ही दाऊ जी भागे मैं जा रहा हूँ, और जैसे ही दाऊ जी भागे कन्हैया तो छोटा था, कन्हैया ने कहा जा भाग अच्छे से जा, जो अंदर चार छह मेरे भतीजा भतीजी छोड़ के आया है ना सब यशोदा जी से कहूंगा जा जा। इतने में दाऊ जी के तेरे हाथ जोड़ू और मारे बाप तू जा तू जा पहले तू, कन्हैया दौड़ कर गए। तो कहीं कहीं ऐसा भ्रम हो जाता है, संतान नहीं है पर संतान गोदी लेकर आए तो बोला तो देखना पड़ता है तुम किसको रमण कर रहे हो, किसको साध रहे हो, किसको मना रहे हो। आज प्रियवतोतान पातो शत्रुपम पते सुतम श्री कृष्णाय शरणागतम श्री कृष्णाय शरणागतम। श्री उत्तान पात की धर्म पत्नी सुनीति का गर्भ ठहर गया, जैसी सुरुचि विवाह कर कर आई है और सुनीति का गर्भ ठहरा, सुनीति का गर्भ ठहरा तो सुरुचि को मालूम पड़ा मेरे ताऊ जी की लड़की ने मेरे साथ छल करा है। क्या छल करा, जब इसका गर्भ ठहर गया था तो मेरा विवाह नहीं करना था, अपने पति के साथ विवाह कर दिया, ये मेरे साथ छल करा है, क्रोध आ गया और क्रोध ऐसा आया कि सुरुचि ने सुनीति को धक्के मार कर राजभवन से निकाल दिया। सुनीति रोती रोती गर्भवती नारी वन में चली गई, वन में गई है और वन में जाकर भगवत भजन में लीन हो गई। समय आया सुनीति के गर्भ से एक बालक हुआ जिसका नाम था ध्रुव, और उधर सुरुचि के गर्भ से भी एक बालक हुआ जिसका नाम था उत्तम। दोनों बालक बड़े हो गए, चार वर्ष के श्री ध्रुव जी महाराज हो गए। कितने वर्ष के? चार वर्ष के। चार वर्ष के श्री ध्रुव जी महाराज एक दिन वन में डोल रहे थे कि नारद जी ने जाकर पूछा, तुझे मालूम है तेरे पिता कौन है? नहीं नहीं जानता। तेरे पिता इस मृत्यु लोक का राजा उत्तानपाद तेरा पिता है, मृत्यु लोक का जो राजा है उत्तानपाद वो तेरा पिता। इतना तो नारद ध्रुव जी महाराज को सुनना था, और ध्रुव जी महाराज तुरंत अपने पिताजी के पास में दौड़ कर गए, सिंहासन पे जाके गोदी में जाकर बैठ गए। जैसे बैठे छोटी माँ सुरुचि ने उतार दिया, तू कौन है? मैं इनका बेटा।
अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। उतार नीचे। छोटी माँ ने नीचे उतार दिया। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास आ गए। माँ मुझे छोटी माँ ने गोदी से नीचे उतार दिया और कहती है अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा और मेरे गर्भ में आने के लिए तुझे भगवान का भजन करना पड़ेगा। अब देखो माँ कितना सुंदर ज्ञान दे रही है, क्योंकि माँ प्रथम गुरु होती है। गुरु कितने होते हैं? अच्छे से बोलो, जरा जम के बोलो। तीन और बोलो, दो और बोलो, एक और बोलो, चार। बिल्कुल सही किया। कितने? चार। गुरु कितने? चार। प्रथम गुरु माँ, द्वितीय गुरु पिता, तृतीय गुरु शिक्षक, चौथा गुरु सतगुरु। चार अवस्था के चार गुरु हैं। बचपन में माँ का आशीर्वाद, जवानी में पिता का आशीर्वाद, अधेड़ी में शिक्षक का आशीर्वाद और बुढ़ापे में सतगुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। प्रथम नंबर का अगर कोई गुरु है तो वो कौन है? माँ। माँ पहले नंबर का गुरु है। अगर बच्चे को झूठ बोलना सिखाती है तो माँ, और बेटे को सच बोलना सिखाती है तो माँ। माँ बेटे को सतमार्ग पर ले जा सकती है। जरा जरा सी टॉफी के पीछे बच्चों को झूठ बोलना सिखा दिया जाता है। ले ये टॉफी खा लेना हो, और कोई पूछे ना, तेरी दादी पूछे, तेरे कोई पूछे तो कहते ना पड़ोस वाली आंटी ने दिया। बच्चों को ऐसा झूठ बोलना सिखा दिया, वो बच्चे बड़े हो गए। बड़े होकर उनकी शादी हो गई, पत्नी को लेके कहीं घूमने के लिए गया हैदराबाद, चार मीनार पे पत्नी को साड़ी पसंद आ गई। पति ने पति से कहा मुझे साड़ी अच्छी लग रही। पत्नी ने कहा तो पति ने कहा खरीद ले, अगर घर जाएंगे और मम्मी पूछेगी तो पति ने कह दिया कह देना मायके से मिली है। क्योंकि बच्चे को झूठ बोलने की आदत किसने डाली? माँ। इतना झूठ बोलना सिखाया, इतना झूठ बोलना सिखाया, इतना झूठ बोलना सिखाया कि आदत पड़ गई उसकी, आदत हो गई उसकी। जरा जरा सी बात पर झूठ। एक माँ किटी पार्टी में जा रही थी और बच्चा जिद करने लगा मैं भी चलूंगा। नहीं तेरा एग्जाम है, पढ़ाई कर। नहीं मैं भी चलूंगा मम्मी, मैं भी चलूंगा। नहीं पढ़ाई कर, पांच रुपए दे दिए ले टॉफी खा लेना। और कोई पूछे तेरी मम्मी कहाँ गई तो कहना पिताजी के साथ घूमने गई। और मालूम पड़े आज ऑफिस की जल्दी छुट्टी हो गई, पिताजी आ गया। पिताजी ने दरवाजा बजाया, बच्चा टॉफी खाते हुए बाहर आया। पिताजी को नहीं देखा, नीचे देख रहा था, टॉफी खा रहा था। पिताजी ने पूछा क्यों तेरी मम्मी कहाँ गई? के वो तो पिताजी के साथ घूमने गए। पिताजी ने एक थप्पड़ दिया थरा पिताजी किसके साथ? बच्चों की आदत रहती है। जैसा बताओगे, एक बच्चा अपनी दादी की गोद में जाकर बैठा, दादी से बोला दादी ओ दादी, दादी बोली हाँ बेटा, दादी तू एक बार प्लीज टे तो बोल। टे क्या होता है बेटा? नहीं तू टे बोल पहले, फिर मैं बताऊंगा। दादी तू टे तो बोल। दादी बोलने लगी टे का मतलब होता क्या? नहीं तू पहले टे बोल फिर बोलूंगा मैं। दादी तू टे बोल। दादी बोले मैं नहीं बोलूंगी तो। नहीं तू टे बोल एक बार, नहीं बोलना। दादी ने पांच रुपए निकाल के दिए, ले टॉफी खा लेना। अब बता मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है? दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब अम्मा टे बोल जाएगी तो सारी इजाजत अपनी हो जाएगी। और देखना रे चेन्नई वालों, तुम मत बोलना, बोले से भी टे मत बोलना। टे बोलने से बच्चों के मन में कपट नहीं रहता। उनको जैसा सिखाओगे वैसा सीखेंगे। तुम बच्चों को शुरू से ही दादा दादी के प्रति, बड़ों के प्रति नफरत सिखाओगे तो वो बच्चे नफरत ही सीखते जाएंगे। फिर वो सबके प्रति नफरत तुम्हारे प्रति भी रहेगी। ये मत सोचना कि तुम्हारे प्रति नहीं रहेगा, तुम्हारे प्रति। अच्छा ज्ञान दीजिए बच्चों। 20 वर्ष तक माता पिता बच्चों को राम बनाने की चेष्टा करते हैं और 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। कितने दिन की? केवल 20 दिन बच्चे को रावण बना दिया। संगत आज ध्रुव जी महाराज माँ से पूछे, माँ माँ कह रही रो क्यों रहा है? मुझे पिता की गोद में बैठना है। बच्चा पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है।
माँ ने कहा अगर बैठना है तो परमपिता परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जा, जिसकी गोद से कभी कोई नीचे नहीं उतर। जिसकी गोद से कभी कोई नीचे नहीं उतरता, माँ वो परमात्मा कहाँ मिलेगा? सर्वस्व है, तलातल रसातल वायु चर सब में वो ही वो है। वन में चले जाऊं, चले जा। वन में चले गए उद्धव जी महाराज। वन में जाकर तप करने के लिए बैठे तो ये याद नहीं कि मंत्र कौन सा बोला। बच्चों को जो सिखाओगे वो सीखेगा, मंत्र क्या बोला। वहीं से नारद जी निकल कर जा रहे थे, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। नारद जी आते से बोले क्या कर रहा है? ध्रुव जी महाराज कहने लगे मेरी माँ ने मुझे वन में भेजा है भगवान की गोद में बैठने के लिए। अच्छा गुरु कौन है तेरा? यहाँ पर बड़े बड़े हिंसक पशु पक्षी तुझे खा जाएंगे, तुझे मालूम नहीं है? मना कर रहा हूँ तेरे से, चले जा वापिस। ध्रुव जी महाराज कहने लगे जाऊंगा वाऊंगा नहीं, मैं नहीं जाने वाला। तो मंत्र कौन सा बोलेगा? इतने में ध्रुव जी ने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है नारद जी, मेरा आपसे निवेदन है आप मेरे गुरु बन जाओ। नारद जी ने मन में सोचा मेरे जैसे चुगल चोट देखो, पहली बार कहीं का गुरु बना रहा है और दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। अगर मान लो इसको भगवान मिल गया तो लोग मुझे गुरु बनाएंगे, और अगर इसी को भगवान नहीं मिला तो कौन गुरु बनाएगा? नारद जी ने कहा भैया तू मुझे गुरु बनाना चाहता है? हाँ। तो ध्रुव जी एक काम करो, मैं पहले जरा देवता हूं से पूछ आऊं कौन जल्दी राजी होगा, उसी का मंत्र दे दूंगा जल्दी से राजी हो जाएगा, फिर लोग मुझे गुरु बनाएंगे। नहीं तो नारद जी को किसी ने गुरु नहीं बनाया, बहुत कम गए। ध्रुव जी महाराज ने कहा नारद जी थोड़ा जल्दी आ जाना, अगर लेट आए तो मैं दूसरा गुरु बना लूंगा, मेरे को तो मंत्र चाहिए भजन करने के लिए, जल्दी आओ। नारद जी गए शंकर जी के पास, जाके पूछे भोलेनाथ जी तुम कितनी जल्दी राजी होते हो? शंकर भगवान बोले एक लोटा पानी चढ़ा दो, तीन बार ताली बजा दो, बम बम बोल दो, राजी। वाह प्रभु इतना अच्छा देवता भी कहां मिलेगा, तीन बार ताली बजाने से राजी हो जाता है। तो तुम्हारा मंत्र दे दूं ओम नमः शिवाय? शंकर भगवान के मंत्र में दे देना, मैं जितनी जल्दी राजी होता हूँ उतना मेरे को गुस्सा होता था, बहुत गुस्सा होता है। जो व्यक्ति दिखने का भोला होता है ना उसको गुस्सा होता था। कई कई लोग कहते कितना अच्छा व्यक्ति है, बिल्कुल क्रोध ही नहीं आता। उसकी धर्म पत्नी से पूछ कितना आता, बहुत क्रोध नहीं है। शंकर भगवान को छोड़कर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मदेव तुम कितनी जल्दी राजी होते हो? ब्रह्मा जी कहे मेरा तो पांच बार नाम लो मैं राजी हो जाता हूँ, परंतु करूं क्या, मैं हो गया बूढ़ा, बुलाओगे त्रेता में पहुंचूंगा द्वापर में, सतयुग में बुलाओगे तो त्रेता में पहुंचूंगा और द्वापर में बुलाओगे तो कलयुग में पहुंचूंगा। इतने में तो तुरंत ध्रुव जी महाराज के लिए नारद जी बोले रेंदो बाबा तुम अच्छे। अब नारद जी गए लक्ष्मी जी के यहाँ, श्रीमन नारायण। लक्ष्मी जी ने पूछा कैसे आना हुआ ध्रुव जी? ध्रुव जी के मैया पार्वती जी बोल रही थी ऐसा मंत्र है जिसका जाप करो तो भगवान शिव राजी हो जाते हैं, ब्रह्माणी करी थी ऐसा मंत्र है कि जिसका जाप करो तो ब्रह्मा जी राजी हो जाते हैं। इतने में लक्ष्मी जी बोली दोनों झूठ बोल रही है, पर मेरे पास ऐसा मंत्र है जिसको केवल 11 बार बोला जाए तो भगवान विष्णु राजी होकर आशीर्वाद देते हैं। माँ वो मंत्र कौन सा? लक्ष्मी जी बोली बताने का नहीं। नारद जी बोले इतनी सारी झूठ सच करी, फायदा कुछ मिला नहीं। नारद जी रोने लगे, लक्ष्मी जी पूछी क्यों रो रहा है, काय के लिए रो रहा है? नारद जी बोले मेरी कोई पत्नी नहीं, मेरे कोई बच्चे नहीं, मेरी तो शादी भी नहीं हुई कि मेरी औलाद हो जाती, और तुम मंत्र बता भी देती तो मैं किसी को बताता थोड़ी ना। अगर तुम मंत्र बोल भी देती तो मंत्र किसी को देता थोड़ी ना। माँ तुम मुझसे छुपा रही। लक्ष्मी जी बोली मेरे सिर की सुगंध खा तो किसी को बोलेगा तो नहीं? नारद जी ने मन में सोचा अपन को लक्ष्मी से मतलब ही क्या, अपन तो खा लो। लक्ष्मी जी के सिर पे हाथ रख के बोले मैया तेरे सिर की सुगंध किसी को नहीं बताऊंगा। तो लक्ष्मी जी ने नारद जी के कानों में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा मंत्र दिया बोलो जरा, अच्छे से बोलो, ऐसे मक्खी भिन भिन करे ऐसे मत बोलो। ओम भगवते, ओम ओम, ये श्रीमद् भागवत का
द्वादश अक्षर मंत्र है, मूल मंत्र है भागवत जी का, मूल मंत्र। नारद जी को मंत्र दिया, नारद जी ने जाकर तुरंत ध्रुव जी महाराज को मंत्र प्रदान कर दिया, ले ध्रुव मंत्र ले। ध्रुव जी को मंत्र दिया, ध्रुव जी ने उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा जाप करा लक्ष्मी जी के कानों में शब्द गया तो लक्ष्मी जी ने नारद जी को बुलाया, हे नारद इधर आ। नारद जी बोले, हाँ मैया, क्यों रे, मैंने तुझे मंत्र दिया था तो किसको दिया है? नारद जी के मैया, तूने ऐसा मंत्र दिया पेट दुखना चालू हो गया, तो जब तक मैं किसी को बताऊं नहीं तो मेरा पेट ही दुखता रहे। 4 साल का बच्चा था उसको बताया। लक्ष्मी जी बोली, आग लगा हुए, कहीं ना कहीं तू आग लगा कर ही आया है। अब तो ध्रुव जी महाराज मंत्र का जाप किए जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों हाथों से ताली से बजाओ, जय हो। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, हे वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज ने जाप किया, ऐसा ध्रुव जी महाराज जाप करे, ऐसा अखंड जाप ध्रुव जी महाराज ने करा, भगवान प्रसन्न होकर तुरंत पधारे। वर मांग ध्रुव, तुझे चाहिए क्या? ध्रुव जी ने कहा, मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा, तुझे कुछ तो चाहिए होगा, मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा तो फिर तुझे चाहिए क्या? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मुझे आपकी गोद में बैठना है। भगवान विष्णु तो मुकुट नीचे उतार रहा है, क्या बोला? फिर से बोल, क्या बोले ध्रुव जी? मुझे भगवान ने पूछा, ये बता तुझे गोदी में बैठने का किया किसने? किसने कहा था? मां। और फिर किसने कहा? नारद जी। दोनों चतुर हैं, मां भी चतुर है और नारद भी चतुर है, गुरु हमेशा चतुर ही होते हैं। तुझे माने गोदी में बैठने का कहा? क्यों कहा? तो ध्रुव जी महाराज बोले, मेरी माँ कहती है भगवान की गोद में बैठ जाओ तो नीचे उतरने की जरूरत ही नहीं है, फिर कभी उतारेंगे नहीं, बैठ जाओ। भगवान विष्णु ने कहा, तेरी माँ बड़ी चतुर है, बहुत चतुर, तेरी माँ को मालूम है कि मेरी कोई औलाद नहीं। कल के लिए एक प्रश्न लिखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्रह्मा जी की संतान थी, शंकर जी की संतान थी, इंद्र की संतान थी, वायुदेव कबूर कुबेर देव सबकी औलाद, सबकी संतान। प्रश्न लिखिए,
भगवान विष्णु को किसका श्राप लगा था कि तुम्हारे यहां औलाद नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, है ना? जोरदार प्रश्न, ईमानदारी से बोलो, अच्छा प्रश्न है ना? छांटने में मजा आएगा आप लोग जब ढूंढोगे ना शास्त्र में, तो बहुत अच्छा लगेगा। भगवान विष्णु को किसका श्राप लगा था कि तुम्हारे यहां औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी? शंकर जी क्या संतान हुई? कार्तिकेय बाबा। ब्रह्मा जी क्या संतान हुई? मानस पुत्र। इंद्रदेव क्या पुत्र हुआ? जयंत। सबके यहां संतान हुई, पर भगवान विष्णु को श्राप था कि तुम्हारे यहां औलाद नहीं होगी, तो उसका नाम बताना है किसका श्राप लगा था। ठीक है, तुम्हारे यहां संतान नहीं हो, ज्यादा ढूंढना मत, अच्छे से मिल जाएगा। एक थोड़ा सा उसका उत्तर में थोड़ा सा आपको सहायता कर रहा हूं कि किसी पुरुष का श्राप नहीं लगा था। ठीक है, अब ढूंढने में देरी नहीं लगेगी आप। ठीक है, ढूंढ लो, किसी पुरुष का श्राप नहीं था, था तो नारी का ही था, स्त्री का ही था। ठीक है, ढूंढ लोगे अच्छा लगेगा, आप लोग पुरुष नहीं ढूंढ पाओगे। तो यहां पर जो वर्णन किया गया, भगवान विष्णु बोल रहे तेरी माँ बड़ी चतुर है, तेरा गुरु बड़ा चतुर है, वो जानते हैं मेरी औलाद नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि तू भगवान की गोदी में बैठ जा। क्यों? अगर गोदी में जाकर बैठ गया तो एक बार जब जिसकी औलाद नहीं होती उसकी गोदी में कोई बैठ जाता है तो गोदी पुत्र हो जाता है, दत्तक पुत्र हो जाता है, गोदी लिया बेटा हो जाता है। और जब गोदी आकर बैठ गया, दत्तक आकर बैठ गया, जब गोदी में आकर बैठ गया तो पूरी प्रॉपर्टी का हिस्से दार बन जाता है। इसलिए माँ बड़ी चतुर थी, कुछ मांगेगा तो थोड़े में काम चलेगा। मांगेगा कितना? भगवान 10 लाख 20 लाख 50 लाख गाड़ी बंगला जमीन जायदाद दे दो। और अगर तुम खुद ही उसके घर में जाकर बैठ गए तो तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं, कुछ जायदाद के हिस्सेदार मांगा। तू मांगना मत, बस गोदी में बैठ जा, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। भगवान विष्णु के दो पुत्र थे, एक ध्रुव जी महाराज जिनको भगवान ने गोदी बिठाया था, और एक नरसिंह अवतार में प्रहलाद जी को गोदी बिठाया। दो थे, दोनों दत्तक थे, दोनों गोदी लिए, दोनों बिठा लिया गोद, बैठ बैठ ध्रुव जी महाराज बैठे। वर प्रदान करा ध्रुव, तो साक्षी रहेगा यज्ञ के, अनुष्ठान के, दान के, पुत्र के, संकल्प के, सब चीज के तू साक्षी रहेगा। जितना दान, जितना पुण्य, जितना सत्कर्म किया जाएगा उसका तू साक्षी रहेगा। ध्रुव तारे के रूप में तू चमकता रहेगा। ध्यान देना, सारे यज्ञ अनुष्ठान भजन पूजन सबके साक्षी श्री ध्रुव जी हैं। केवल एक सुबोधनी भागवत एक ऐसी होती है जिसकी साक्षी ध्रुव जी नहीं देते, इसकी साक्षी केवल तुलसी जी देती है। कौन देती है? तुलसी। केवल एक ध्रुव जी महाराज सबकी साक्षी दे सकते हैं, केवल श्रीमद् भागवत सुबोधनी ऐसी है जिसकी साक्षी ध्रुव जी महाराज नहीं देते। ध्रुव जी महाराज प्रदान नहीं साक्षी। इसकी साक्षी केवल तुलसी देती है, तुलसी महाराज। और ध्रुव जी महाराज वर प्राप्त कर कर उत्तानपाद के पास में गए, जाकर देखा उत्तानपाद के बेटे उत्तम को सिंहासन पर बिठाया और उत्तम आखेट करने गया, कोई सिंह ने खा लिया। ध्रुव जी को लगा मेरे भाई को यक्षों ने मारा है, यक्षों के साथ में युद्ध हुआ। तब देवताओं ने आकाशवाणी करी, तुम्हारे भाई को यक्षों ने नहीं मारा, युद्ध समाप्त करो। तब युद्ध की समाप्ति, ध्रुव जी का राज्य हुआ। फिर आगे बेन का राज, पृथु का राज, पृथ्वी का दोहन। फिर आगे जो चरित्र आया वो ऋषभदेव जी महाराज का आया। ऋषभदेव जी महाराज आप जानते हो, अहिंसा परम धर्म को जानने वाले, कोई जीव ना मर जावे। पर मेरे बल्लभ ने लिखा है, चार जगह पर हर व्यक्ति से पाप होता है, चार जगह पर हर व्यक्ति से हिंसा होती है। चाहे ऋषभदेव जी महाराज ने कहा अहिंसा परमो धर्म, कोई जीव ना मर जावे, कोई जीव नष्ट ना हो जावे। पर मेरे बल्लभ लिखते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, चाहे वो कितना भी बचना चाहे तो भी उसके हाथ से चार जगह पर
जीव हत्या हो जाती है। पहला चूल्हा जलाते समय गैस जलाओगे छोटे छोटे पतंगे जल जाएंगे, जीव जल जाएंगे, गैस के आसपास में रहते हैं पतंगे उड़ते रहते हैं, दिखते तो है नहीं, वो जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर पानी भरते समय हम मटका धोएं, कपड़े धोएं, बर्तन धोएं, कुछ भी पानी पिए, मटके के आसपास में जीव हो गए, पानी गिरने से वो जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरे नंबर पर झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, गुवारी करते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। और चौथे नंबर पर जब हम चलकर कहीं जाते हैं, चाहे तुम कथा में जाओ, भागवत में जाओ, रामायण में जाओ, गीता में जाओ, शॉपिंग करने जाओ, घूमने जाओ, फिरने जाओ, तुम्हारे चप्पल के नीचे, तुम्हारे पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चार स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है और हर व्यक्ति के माथे पर पाप की कठरिया बंधी रहती है। बल्लभ ने सुबोधनी में लिखा, हर व्यक्ति के मस्तक पर जब पाप की कठरिया बनी रहती है, इसलिए कथाकार कथा में कहते हैं कि कथा में आओ तो बीच में उठकर मत जाओ। क्यों कहते हैं? उनको कोई शोक चल रहा है क्या बोलने का कि बीच में उठ के मत जाओ? कथाकार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी लोग कथा में जाते हो, जैसे तुम्हारी चप्पल बाहर रह जाती है, उसी तरह तुम्हारे द्वारा किया हुआ पाप कर्म तुम्हारे सिर पर चढ़ा रहता है। जब तुम कथा भागवत में जाते हो, ठाकुर जी की हवेली में जाते हो, तो वो पाप बाहर रह जाता है, बाहर खड़ा खड़ा इंतजार करता रहता है, कब आएगी, मैं कब जाऊं इसके माथे पे बैठ के। अब मालूम पड़े तुम उठकर कथा में से जाते ही नहीं हो, किसी के घर पे कोई बुलाने आ गया, वो उठ कर गया तो इतने सारों का पाप उसी के माथे पर बैठ कर उसके घर चले जाता। और मालूम पड़े कोई उठ के ही नहीं गया तो जैसे ही कर्पूर गोरम होता है, पाप जलकर बस पाप जल जाता। कल के लिए दूसरा प्रश्न लिखिए। कर्पूर गोरम करते समय कपूर जलाया जाता है, ये कपूर कौन है और क्यों जलाया जाता है? जिंदगी निकल गई तुम्हारा कपूर जलाते जलाते, अब मालूम पड़े कि कपूर है कौन। ठीक है, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बोलो। कर्पूर गोरम जब हम करते हैं या पूर्ण आहुति करते हैं या कपूर जलाते हैं, तो कपूर कौन है और आरती के बाद ही क्यों जलाया जाता है? आरती के पहले जला के रख दो पर आरती के बाद में जलाया जाता है, पूर्ण आहुति पर ही जलाया जाता है। ठीक है, भागवत से हटकर नहीं है, सब भागवत का ही है। ढूंढोगे मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ना, ढूंढोगे। ये क्या संशय मिटती है अपनी? तो बच्चे पूछ ले, मम्मी कपूर क्यों जलाती है? तो बेटा कर्पूर गोरम होता है इसलिए जलाते। तो कपूर है क्या? कपूर कौन था? वो मत बोल देना फिल्म का कपूर। कपूर कौन था, क्यों जलाया जाता है, आखिरी में क्यों जलाते हैं? आज के जमाने में बच्चे बहुत प्रश्न करते हैं भाई, बहुत प्रश्न। सुबोधनी में हर चीज का जवाब है, हर चीज का कि क्या है और क्यों है। ठीक है, परंतु आप ढूंढ के लाओगे तो थोड़ा आनंद ज्यादा आएगा, सुनने में मजा आएगा। दो चार लोग बोलते ना तो दस चीज सुनने में आनंद आता है, सुख मिलता है। कपूर ढूंढिएगा। अब कौन सी पुस्तक में ढूंढोगे? थोड़ा सा बोल दूं मैं, ढूंढ लोगे? नहीं, क्या होता है कि सब ढूंढते मेहनत करते हो, नहीं मिलता तो थोड़ा दुख होता है, तो गर्ग संहिता में ढूंढ लेना। ठीक है, ठीक है, और भी कुछ बताऊं? इतने में चल जाएगा? हाँ ठीक है। गोपाल कृष्ण भगवान की, नहीं कल वो दो लिफाफे वापिस चले गए, मेरे को बड़ा दुख हुआ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा फीस बता दे रहा हूँ जिससे आप ढूंढते रहो, तो कम से कम लिफाफे आपको मिल जा रहे हैं। बड़े प्रेम से सत्संग समिति तो दे ही रही है, काबरा जी तो दे ही रहे हैं, परंतु फिर भी आपको मिले, परंतु आप खुश होकर जाओ, परंतु उसका उत्तर ढूंढ। प्रश्न
बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान आनंद सुख की राशि है, चार जगह पर जीव हत्या होती है, चार जगह पर हर व्यक्ति के मस्तक पर पाप समाहित होता है। इसलिए कहते हैं कथा में जाकर बैठो, पर जितनी देर कथा चले उतनी देर कथा के पंडाल से बाहर मत निकलो। और कथा के पंडाल में ही बैठो, ऐसा भी लिखा है सुबोधनी में। क्यों लिखा सुबोधनी में कि कथा के पंडाल में जाकर बैठो? उसका कारण है, जैसे कोई फल, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, फ्रिज से बाहर रख दोगे तो सड़ जाएगा। सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? कोई फूल की माला बाहर रख दी, सड़ जाएगी। सब्जी दूध बाहर रख दो, सड़ जाएगा। और वही सब्जी वही दूध वही फ्रूट्स फ्रिज के अंदर रख दिया तो सड़ेगा क्या? नहीं सड़ेगा। जब चाहो तब निकालो, ताजा की ताजा, हरा की हरा। उसी तरह शास्त्र कहता है, मेरे बल्लभ वर्णन कर रहे हैं, उन्होंने बोला दूसरी भाषा से, हम बोल रहे हैं दूसरी भाषा से, कि कथा का पंडाल फ्रिज है। जिस फ्रिज के अंदर जो जीवात्मा आकर बैठ जाती है, वो काम लोभ विषय और वासना अहंकार तृष्णा में सड़ती नहीं है। जो फ्रिज के बाहर वो सड़ रहा है, जो फ्रिज के अंदर सड़ता नहीं। ना काम समाएगा, ना लोभ समाएगा, ना विषय, ना वासना, ना अहंकार, ना तृष्णा, सड़। रोटी बनाते हो, अच्छी रोटी मिले उसके लिए क्या लगाते? पले थन। क्या लगाते हो? पले थन। काय के लिए लगाया? फुलाने के लिए नहीं है, बेलन में नहीं चिपके और वो चकोटी में नहीं चिपके। आटा एक, लोई अलग, एक ही आटे की है, एक ही दुकान का आटा है, एक ही गोडाउन का आटा है। उसना लोई बनाई और अलग अलग लोई बनाई। कोई लोई मोटी हो गई, कोई छोटी हो गई, कोई पतली हो गई, कोई नाटी हो गई। लोई है, हो जाती है। बेल के समय पलेथन लगाओ, तब बेलन में नहीं चिपकेगी, चपूटी में नहीं चिपकेगी। बस यही कथा है। हम भी सब एक ही आटे की लोइयां हैं, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई गोल। हर एक व्यक्ति संसार में रहने वाला मनुष्य एक ही आटे की लोई है। बस इतना याद रखना, पृथ्वी रूपी चकोटी पर बेले जाओगे और संसार और परिवार रूपी बेलन तुम्हें बेलेगा। अगर तुम्हें भागवत सुबोधनी का आटा लगा है तो संसार में चिपक नहीं पाओगे। और अगर पलेथन नहीं लगा, सुबोधनी का सत्संग नहीं मिल पाया, भागवत रामायण गीता का सत्संग नहीं मिल पाया, तो चकोटी में और बेलन में चिपक जाओगे। और चिपकने में हानि नहीं है, दिक्कत ये है कि जहां से रोटी चिपक गई तवे में तो फूलती नहीं है। तुम रख के देखना, फिर तुम रोटी को कितना ही कपड़ा लगा के फुलाओ तो नहीं फूले, क्योंकि वो चिपक गई। जब चिपक गई तो नहीं फूली। और अगर जो नहीं चिपकी वो तवे पे डालते सही कपड़ा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती और फूल जाती है। बस यही चरित्र है, जो संसार में चिपक गया वो परमात्मा तक फूल कर पहुंच नहीं पाया, और जो नहीं चिपका वो तुरंत भगवान का हो गया, फूल कर पहुंच गया, परमात्मा के दरवाजे पर पहुंच गया। इसलिए पलेथन लगाओगे तो चिपक नहीं पाओगे। तो मेरा निवेदन है, घर से आटा निकाल के मत लगा लेना। पलेथन कौन सा? सुबोधनी का पलेथन। कहाँ जाएंगे? तुझे मालूम नहीं है? मना कर रहा हूं तेरे से, चले जा वापिस। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, जाऊंगा वाऊंगा नहीं, मैं नहीं जाने वाला। तो मंत्र कौन सा बोलेगा? इतने में ध्रुव जी ने कहा, मेरा कोई गुरु नहीं है नारद जी, मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे गुरु बन जाओ। नारद जी ने मन में सोचा, मेरे जैसे चुगल चोट देखो, पहली बार कहीं का गुरु बना रहा, और दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। अगर मान लो इसको भगवान मिल गया तो लोग मुझे गुरु बनाएंगे, और अगर इसी को भगवान नहीं मिला तो कौन गुरु बनाएगा? नारद जी ने कहा, भैया तू मुझे गुरु बनाना चाहता है? हाँ। तो ध्रुव जी एक काम करो, मैं पहले जरा देवता हूं से पूछी आऊं, कौन जल्दी राजी होगा उसी का मंत्र दे दूंगा, जल्दी से राजी हो जाएगा, फिर लोग मुझे गुरु बनाएंगे। नहीं तो नारद जी को किसी ने गुरु नहीं बनाया, बहुत कम गए।
ध्रुव जी महाराज ने कहा नारद जी थोड़ा जल्दी आ जाना, अगर लेट आए तो मैं दूसरा गुरु बना लूंगा, मेरे को तो मंत्र चाहिए भजन करने के लिए, जल्दी आओ। नारद जी गए शंकर जी के पास, जाके पूछे बोले नाथ जी तुम कितनी जल्दी राजी होते हो। शंकर भगवान बोले एक लोटा पानी चढ़ा दो, तीन बार ताली बजा दो, बम बम बोल दो राजी। वाह प्रभु इतना अच्छा देवता भी कहां मिलेगा, तीन बार ताली बजाने से राजी हो जाता है। तो तुम्हारा मंत्र दे दूं ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान के मंत्र में दे देना, मैं जितनी जल्दी राजी होता हूं उतना मेरे को गुस्सा होता था, बहुत गुस्सा होता है। जो व्यक्ति दिखने का भोला होता है ना उसको गुस्सा होता था। कई कई लोग कहते कितना अच्छा व्यक्ति है, बिल्कुल क्रोध ही नहीं आता। उसकी धर्म पत्नी से पूछ कितना आता, बहुत क्रोध नहीं है। वाह, शंकर भगवान को छोड़कर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मदेव तुम कितनी जल्दी राजी होते हो। ब्रह्मा जी कहे मेरा तो पांच बार नाम लो मैं राजी हो जाता हूँ, परंतु करूं क्या, मैं हो गया बूढ़ा, बुलाओगे त्रेता में पहुंचूंगा द्वापर में, सतयुग में बुलाओगे तो त्रेता में पहुंचूंगा और द्वापर में बुलाओगे तो कलयुग में पहुंचूंगा। इतने में तो तुरंत ध्रुव जी महाराज के लिए नारद जी बोले रेंदो बाबा तुम अच्छे। अब नारद जी गए लक्ष्मी जी के यहाँ, श्रीमान नारायण। लक्ष्मी जी ने पूछा कैसे आना हुआ ध्रुव जी। ध्रुव जी के मैया पार्वती जी बोल रही थी ऐसा मंत्र है जिसका जाप करो तो भगवान शिव राजी हो जाते हैं। ब्रह्माणी करी थी ऐसा मंत्र है कि जिसका जाप करो तो ब्रह्मा जी राजी हो जाते हैं। इतने में लक्ष्मी जी बोली दोनों झूठ बोल रही है, पर मेरे पास ऐसा मंत्र है जिसको केवल 11 बार बोला जाए तो भगवान विष्णु राजी होकर आशीर्वाद दे देते हैं। मां वो मंत्र कौन सा। लक्ष्मी जी बोली बताने का नहीं है। नारद जी बोले इतनी सारी झूठ सच करी, फायदा कुछ मिला नहीं। नारद जी रोने लगे, लक्ष्मी जी पूछी क्यों रो रहा है, काय के लिए रो रहा है। नारद जी बोले मेरी कोई पत्नी नहीं, मेरे कोई बच्चे नहीं, मेरी तो शादी भी नहीं हुई कि मेरी औलाद हो जाती, और तुम मंत्र बता भी देती तो मैं किसी को बताता थोड़ी ना। अगर तुम मंत्र बोल भी देती तो मंत्र किसी को देता थोड़ी ना। मां तुम मुझसे छुपा रही। लक्ष्मी जी बोली मेरे सिर की सुगंध खा तो किसी को बोलेगा तो नहीं। नारद जी ने मन में सोचा अपन को लक्ष्मी से मतलब ही क्या, अपन तो खा लो। लक्ष्मी जी के सिर पे हाथ रख के बोले मैया तेरे सिर की सुगंध किसी को नहीं बताऊंगा। तो लक्ष्मी जी ने नारद जी के कानों में मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा मंत्र दिया बोलो जरा, अच्छे से बोलो, ऐसे मक्खी भिन भिन करे ऐसे मत बोलो। ओम भगवते, ओम ओम। ये श्रीमद् भागवत का द्वादश अक्षर मंत्र है, मूल मंत्र है भागवत जी का मूल मंत्र। नारद जी को मंत्र दिया, नारद जी ने जाकर तुरंत ध्रुव जी महाराज को मंत्र प्रदान कर दिया, ले ध्रुव मंत्र ले। ध्रुव जी को मंत्र दिया, ध्रुव जी ने उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा जाप करा लक्ष्मी जी के कानों में शब्द गया तो लक्ष्मी जी ने नारद जी को बुलाया, हे नारद इधर आ। नारद जी बोले हाँ मैया, क्यों रे, मैंने तुझे मंत्र दिया था तो किसको दिया है। नारद जी के मैया तूने ऐसा मंत्र दिया पेट दुखना चालू हो गया, तो जब तक मैं किसी को बताऊं नहीं तो मेरा पेट ही दुखता रहे, 4 साल का बच्चा था उसको बताया। लक्ष्मी जी बोली आग लगा हुए, कहीं ना कहीं तू आग लगा कर ही आया है। अब तो ध्रुव जी महाराज मंत्र का जाप किए जाए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हाथों से ताली से बजते हो। जय हो। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु जी महाराज ने जाप किया ऐसा ध्रु जी महाराज जाप करे ऐसा अखंड जाप ध्रु जी महाराज ने करा भगवान प्रसन्न होकर तुरंत पधारे। वर मांग ध्रु तुझे चाहिए क्या? ध्रु जी ने कहा मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा। तुझे कुछ तो चाहिए होगा। मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा तो फिर तुझे चाहिए क्या? ध्रु जी महाराज कहते हैं मुझे आपकी गोद में बैठना है। भगवान विष्णु तो मुकुट नीचे उतार लिया। क्या बोला फिर से बोल। क्या बोले ध्रु जी? मुझे भगवान ने पूछा ये बता तुझे गोदी में बैठने का किया किसने? किसने कहा था? मां। और फिर किसने कहा? नारद जी। दोनों चतुर हैं। मां भी चतुर है और नारद भी चतुर है। गुरु हमेशा चतुर ही होता है। तुझे माने गोदी में बैठने का कहा? क्यों कहा? तो ध्रुव जी महाराज बोले मेरी माँ कहती है भगवान की गोद में बैठ जाओ तो नीचे उतरने की जरूरत ही नहीं है। फिर कभी उतारेंगे नहीं। बैठ जाओ। भगवान विष्णु ने कहा तेरी माँ बड़ी चतुर है। बहुत चतुर। तेरी माँ को मालूम है कि मेरी कोई औलाद नहीं। कल के लिए एक प्रश्न लिखो। बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्रह्मा जी की संतान थी, शंकर जी की संतान थी, इंद्र की संतान थी, वायुदेव कबूर कुबेर देव सबकी औलाद सबकी संतान। प्रश्न लिखी है भगवान विष्णु को किसका श्राप लगा था कि तुम्हारे यहां औलाद नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है ना। जोरदार प्रश्न। ईमानदारी से बोलो अच्छा प्रश्न है ना। छांटने में मजा आएगा आप लोग जब ढूंढोगे ना शास्त्र में तो बहुत अच्छा लगेगा। भगवान विष्णु को किसका श्राप लगा था कि तुम्हारे यहां औलाद नहीं होगी संतान नहीं होगी? शंकर जी क्या संतान हुई? कार्तिकेय बाबा। ब्रह्मा जी क्या संतान हुई? मानस पुत्र। इंद्रदेव क्या पुत्र हुआ? जयंत। सबके यहां संतान हुई पर भगवान विष्णु को श्राप था कि तुम्हारे यहां औलाद नहीं होगी तो उसका नाम बताना है किसका श्राप लगा था। ठीक है। तुम्हारे यहां संतान नहीं होगी। ज्यादा ढूंढना मत अच्छे से मिल जाएगा। एक थोड़ा सा उसका उत्तर में थोड़ा सा आपको सहायता कर रहा हूं कि किसी पुरुष का श्राप नहीं लगा था। ठीक है। अब ढूंढने में देरी नहीं लगेगी आप। ठीक है। ढूंढ लो। किसी पुरुष का श्राप नहीं था। था तो नारी का ही था स्त्री का ही था। ठीक है। ढूंढ लोगे अच्छा लगेगा। आप लोग पुरुष नहीं ढूंढ पाओगे। तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया भगवान विष्णु बोल रहे तेरी माँ बड़ी चतुर है तेरा गुरु बड़ा चतुर है वो जानते हैं मेरी औलाद नहीं है इसलिए उन्होंने कहा कि तू भगवान की गोदी में बैठ जा। क्यों? अगर गोदी में जाकर बैठ गया
तो एक बार जब जिसकी औलाद नहीं होती उसकी गोदी में कोई बैठ जाता है तो गोदी पुत्र हो जाता है, दत्तक पुत्र हो जाता है, गोदी लिया बेटा हो जाता है। और जब गोदी आकर बैठ गया, दत्तक आकर बैठ गया, जब गोदी में आकर बैठ गया तो पूरी प्रॉपर्टी का हिस्से दार बन जाता है। इसलिए माँ बड़ी चतुर थी, कुछ मांगेगा तो थोड़े में काम चलेगा। मांगेगा कितना, भगवान 10 लाख 20 लाख 50 लाख गाड़ी बंगला जमीन जायदाद दे दो। और अगर तुम खुद ही उसके घर में जाकर बैठ गए तो तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि खुद जायदाद के हिस्सेदार हो। मांगा तू, मांगना मत ही बस, गोदी में बैठ जा, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। भगवान विष्णु के दो पुत्र थे, एक ध्रुव जी महाराज जिनको भगवान ने गोदी बिठाया था, और एक नरसिंह अवतार में प्रहलाद जी को गोदी बिठाया। दोनों दत्तक थे, दोनों गोदी लिए।